हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ASP.NET के अंदर हमने असेस डेटा सोर्स को कैसे यूज़ करके अपने MS असेस डेटाबेस के डेटा को एडिट कर सक करना है या फिर कह सकते हो अपडेट करना है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी एक रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इस एग्जांपल की वर्किंग बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि कितने सिंपल इजी वे के साथ विदाउट एनी कोडिंग आप जो है अपने ग्रिड व्यू के अंदर जो असेस का डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट असेस का डेटाबेस, उसको बड़े ही इजी वे के साथ रो बाय रो जो है अपडेट कर सकते हैं। तो आज जो आपने कंट्रोल यूज़ करना है वो करना है असेस डेटा सोर्स कंट्रोल। तो मेरे पास ये ऑलरेडी एक रनिंग एग्जांपल है। तो चलिए कोई किसी का नेम अपडेट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं एडिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो पर्टिकुलर रो है वो एडिटेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं रोहित के साथ कुमार लिख देता हूँ। तो कुमार लिखने के बाद जैसे ही मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, और मेरा जो ग्रिड है, ग्रिड व्यू है, वो भी अपडेट हो जाएगा डेटा बाइंड के थ्रू। तो इस तरीके का जो एग्जांपल है वो आज हमने क्रिएट करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस एग्जांपल को कैसे डेवलप करना है वो सीख लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन में जाकर एक नया वेब फॉर्म ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने वेब फॉर्म सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे वेब फॉर्म का नेम दे सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि असेस का डेटाबेस जो है मैंने ऐप अंडरस्कोर डेटा के अंदर जो है ब्राउज़ करके जो है कॉपी किया हुआ है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं असेस का डेटाबेस एग्जिस्टिंग आइटम, और जहाँ पे भी आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा जो डेटा है वो डेस्कटॉप के अंदर था। तो ये था मेरा असेस का डेटाबेस। तो इसको मैंने ये था असेस का डेटाबेस, तो इसको मैंने ऐसे ऐड किया है यहाँ पे पहले ही। कस्टमर डेटाबेस नाम है इसका। तो प्रीवियस एग्जांपल आप मेरी देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है जिसमें मैंने डेटा को रिट्रीव किया है फ्रॉम असेस डेटाबेस यूजिंग असेस डेटा सोर्स कंट्रोल। तो चलिए यहाँ पे एक लेबल इंसर्ट कर लेते हैं। लेबल के ऊपर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये मेरा लेबल जो है वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको जो है चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटी स्टडी हब, और इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी एग्जांपल का जस्ट हेडिंग दे देता हूँ, अपडेट और एडिट डेटा यूजिंग असेस डेटा सोर्स कंट्रोल इन ASP.NET। और चलिए टूल बॉक्स में से एक सबसे पहले ग्रिड व्यू को अपने वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट करते हैं। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, उसके बाद हम टूल बॉक्स में से जो आज का हमारा मेन कंट्रोल है वो है असेस डेटा सोर्स, तो इसको ऐड कर देते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इसको कॉन्फ़िगर करेंगे असेस डेटा सोर्स को। तो कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो ऑलरेडी मैंने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है वो किस तरीके का है। तो जो डेटाबेस का नेम था स्टूडेंट वो था कस्टमर डेटाबेस, और इसके अंदर जो मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ है वो है कस्टमर डिटेल, और इसका जो डिज़ाइन है वो पहले आपको दिखा देते हैं।
और ये कस्टमर डिटेल के अंदर चार कॉलम यूज़ किए हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट। और इसके अंदर जो डेटा ऑलरेडी एंटर कर रखा है वो होता है, तो आप देख सकते हैं ये सारा डेटा जो है ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है। तो इस तरीके का जो आप डेटाबेस है और जो टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो चलिए अपने असेस डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ से ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और फिर ऐप अंडरस्कोर डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो डेटाबेस मैंने इंसर्ट किया है इस फोल्डर के अंदर उसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे और बाद में नेक्स्ट। तो स्टूडेंट जो मेरा टेबल का नेम था वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ चुका है। तो यहाँ पे हमने कोई भी ऑप्शन को चेंज नहीं करना और जस्ट डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही रहने देनी है। और बस एक इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे जनरेट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो ये वाली ऑप्शन तभी इनेबल होती है अगर आपके टेबल के अंदर किसी रो, किसी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की हो। तो मैंने जो प्राइमरी की सेट की हुई है वो की है कस्टमर आईडी के ऊपर डेटाबेस के अंदर। तो आप भी ज़रूर कोई ना कोई यूनिक कॉलम ज़रूर बनाइएगा जिसके ऊपर प्राइमरी की लगी हो, तभी ये वाली ऑप्शन जो है अनेबल होगी। तो ये मैंने टेस्ट क्वेरी करके देख लिया है, सारा डेटा प्रॉपरली रिट्रीव हो चुका है। तो आइए इसको फिनिश कर देते हैं। और अब हमने जो कन्फिगर करना है वो करना है ग्रिड व्यू। तो सबसे पहले ऑटो फॉर्मेट और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ब्राउन शुगर, अप्लाई, ओके। और अब हम यहाँ से डेटा सोर्स सेलेक्ट करेंगे असेस डेटा सोर्स और उसके बाद में जो हमने एडिट कॉलम है इसके ऊपर क्लिक करना है ताकि हम जो हेडर टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकें। कस्टमर आईडी और यहाँ पे लिख देंगे कस्टमर नेम और यहाँ से लिख देंगे सिटी ताकि जो हमारा हेडर टेक्स्ट है वो प्रॉपरली हमारे सामने डिस्प्ले हो और देखने में अच्छा लगे। और अगर हम चाहते हैं कि इसकी अलाइनमेंट जो पर्टिकुलर कॉलम के अलाइनमेंट सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ से हम सेंटर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सभी को सेंटर कर देंगे। और इसको ओके कर देंगे। अब हमने जो है एडिट वाला जो है वो डिस्प्ले करवाना है बटन, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है अनेबल एडिटिंग, इसको अनेबल कर देंगे। फिर से एडिट कॉलम में क्लिक करेंगे और ये इसको सिलेक्ट करके सबसे लास्ट में ले जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे जो है बटन की टाइप हम अलग अलग तरीके की दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बटन कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरा बटन्स है वो लास्ट कॉलम के अंदर आ चुके हैं। तो अगर मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है कर सकता हूँ। तो ये देखिए मैंने बैकग्राउंड जो है येलो कर दिया है और ये मेरा प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो एक और ऑप्शन हमने जो है सोर्स के अंदर चेंजेस करनी है क्योंकि उसके बिना जो हमारे पास है वो एरर शो होगी अगर हम इसको चेंज नहीं करते। तो ये एक माइनर सी कोडिंग है जो आपको करनी पड़ेगी। देखना बस ये है कि जो अपडेट वाली कमांड है उसके अंदर जहाँ जहाँ भी जो ये क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं उसको हमने पैरामीटर नेम के साथ अपडेट करना है। जैसे ये अपडेट पैरामीटर है तो इसका पहला पैरामीटर है कस्टमर नेम, यहाँ पे कस्टमर नेम और यहाँ पे ऐट दी डेट लगा के कस्टमर नेम लिख देंगे। और यहाँ पे भी हम सिटी की जगह ऐट दी डेट सिटी कर देंगे और यहाँ पे भी हम कॉन्टैक्ट की जगह एट दी रेट कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा हमारे पास कोडिंग हुई हुई है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये वाली जो कोडिंग है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने जस्ट कस्टमर आईडी को ही चेक करवाना है। तो यहाँ पे एट द रेट कस्टमर आईडी कर देता हूँ, तो इसको सेव कर देते हैं। तो ये कोडिंग आप देख लें एक बार, अपडेट
कस्टमर डिटेल सेट, और यहाँ जहाँ भी क्वेश्चन मार्क हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे एट द रेट, और इस कॉलम का नेम फिर से एट द रेट, और इस कॉलम का नेम फिर से एट द रेट, इस कॉलम का नेम, और यहाँ पे हमने वेयर के अंदर जो है कस्टमर आईडी और क्वेश्चन मार्क की जगह एट द रेट कस्टमर आईडी। तो इस तरीके की कोडिंग आप अगर चाहते हैं तो कॉपी पे के ऊपर भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये कोडिंग करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बिना ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आप अपडेट करोगे असेस डेटा सोर्स कंट्रोल को यूज़ करके तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलिए हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है प्रॉपरली हो चुकी है, तो रन करके देख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो मेरा प्रोजेक्ट है रन हो चुका है, तो चलिए किसी रो को अपडेट करके देख लेते हैं। तो इस 113 के ऊपर जैसे ही मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एडिटेबल फॉर्म के अंदर आ जाएगी रो पूरी की पूरी। तो यहाँ पे मैं सलमान खान कर देता हूँ और गुजरात की जगह दिल्ली कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी रो जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो ये देखिए जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है दोनों कॉलम्स का। तो इस तरीके से आप बड़े इजी वे के साथ जो है अपने असेस के डेटाबेस को अपडेट और एडिटेबल बना सकते हैं ग्रिड व्यू की मदद के साथ और असेस डेटा सोर्स कंट्रोल की मदद के साथ। बस आपको थोड़ी सी सोर्स कोड के अंदर जो ये वाली कोडिंग है वो आपको करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोडिंग है, सिंपल सी कोडिंग है। जस्ट क्वेश्चन मार्क कुछ चेंज करना है आपने एट द रेट और कॉलम नेम के साथ, और यहाँ से थोड़ी सी जो लाइन है वो एडिट करनी है। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। अगर आपको मेरे चैनल के ऊपर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमारा ट्यूटोरियल कैसा बना है और कैसे बेनिफिट है आपके लिए। तो ऐसे आगे ट्यूटोरियल्स मैं लाता रहूँगा अपने चैनल के ऊपर। तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स।